Okay, students, in this video we are going to continue the chapter Improvement in Food Resources. Students, today we will discuss the meaning of a word that is known as sustainable agriculture. Dekho bachcha, the word is देखो बेटा आसान सा वर्ड है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या कहता है? मैं एग्रीकल्चर करूं ऐसे करूं कि ह्यूमन नीड्स तो सेटिस्फाई हो जाए पर एनवायरमेंट का नुकसान ना हो। दैट इज इट इज द सक्सेसफुल एंड जुडिशियस use of natural resources for agriculture to satisfy increasing human needs without disturbing the environment। देखो environment का नुकसान तो करा नहीं और हमने अच्छे से resources को use किया agriculture के लिए जिससे human needs क्या हो जाए satisfy हो जाए। अब बात आती है what is the need of sustainable एग्रीकल्चर। देखो बच्चा जरूरत क्या है, जरूरत क्यों है, ध्यान से सुनेंगे प्लीज या फिर आगे डिस्कस करेंगे। नीड ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, देखो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जरूरत क्या पड़ी, तो पहला पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे। देखो जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें पता है दैट मेजॉरिटी ऑफ इंडिया या इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर। देखो ज्यादातर किसके ऊपर डिपेंडेंट है बेटा, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और क्या हुआ, जैसे हम लोगों ने रिसोर्सेस को बहुत ज्यादा यूज किया तो पॉल्यूशन की वजह से सॉइल की क्वालिटी डिक्रीज हो गई, देखो कम हो गई। अब कम हो जाएगी तो फिर हम खाना कहाँ से खाएंगे, और हम तो खा लेंगे क्योंकि बिट्टू हम तो भैया फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, पर जो फार्मर है वो कैसे कहाँ सर्वाइव करेगा। सो फॉर एंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ फार्मर्स इन फ्यूचर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज इम्पॉर्टेंट। कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है बेटा, इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। आगे की बात समझेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट कहता है दैट व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। कि भैया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एडवांटेजेस क्या क्या है। सो द नेक्स्ट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इज एडवांटेजेस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देखो पहला एक पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे, क्या करा। देखो इट प्रोटेक्ट्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, क्या करा, इट प्रोटेक्ट्स सॉइल फर्टिलिटी। ये पॉइंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। देखो उसके अलावा क्या करेगा, देखो क्या करेगा, नेचुरल रिसोर्सेस को कंजर्व करेगा, ठीक है ना। तो इट विल कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेस। देखो क्या होगा, उसके अलावा हमें केमिकल फ्री फूड मिलेगा। सो द केमिकल फ्री फूड इज ऑप्टेंड। नेक्स्ट क्या होगा, हेल्दी लाइफस्टाइल होगी बेटू। सो देयर विल बी
हेल्दी लाइफस्टाइल। लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू फार्मर्स। देखो ऐसा नहीं है कि आज ही फायदा आ जाएगा, ऐसा है कि हमेशा फायदा होता रहेगा। सो इट विल बी द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स टू फार्मर्स। नेक्स्ट क्या होगा? डिक्रीजेस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को क्या कर देगा बेटा? कम कर देगा। अब ध्यान से आगे डिस्कस करेंगे, प्लीज ध्यान से सुनना। ओके, इस दिस वीडियो विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल हस्बेंड्री। देखो एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है? एनिमल हस्बेंड्री इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट deals with the farming and management of domestic animals देखो ये क्या कह रहा है? एक ऐसी ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर जो फार्मिंग और मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स से डील करती है फॉर देयर इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन। देखो ध्यान से समझो बेटा, अगर मैंने एक डॉग पाल रखा है तो मैं उसको एनिमल हस्बेंड्री में बिल्कुल कंसीडर नहीं करूंगी। मैंने पेट पाल रखा है, ठीक है, डोमेस्टिक है, बट वो इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन नहीं है। मैंने कैट पाल रखी है, इट वॉन्ट बी कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन। तो एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस उसको क्या कहेंगे बेटा? एनिमल हस्बेंड्री कहेंगे, जिसके अंदर देखो हमने क्या करा, डोमेस्टिक एनिमल्स का ध्यान रखा इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन के लिए। इट्स नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। अगला आता है, देखो बेटो ध्यान से सुनो, नीड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। किस एनिमल हस्बेंड्री की जरूरत क्यों पड़ी? तो ध्यान से सुनेंगे प्लीज, क्यों पड़ी इसकी जरूरत? पड़ी टू फुलफिल द इंक्रीजिंग need of products like कैसे कैसे products हैं? देखो milk products। अब देखो milk या milk products चाहिए तो मुझे cow या buffalo तो rear करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा देखो egg चाहिए and meat, तो मुझे क्या चाहिए बिट्टू? ultimately उसके लिए animal husbandry की जरूरत पड़ेगी ही। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है बिटू? नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस आता है दैट व्हाट इज द रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का फायदा या उसका जरूरत या फिर उसकी क्या कहो, उसका रोल क्या है, उसकी जगह क्या है, वो क्या करती है लाइफ में? तो ध्यान से सुनना प्लीज, क्या करती है बिटू? देखो सुनो, helps in proper production of animal products। देखो ये ध्यान देती है कि सारे के सारे animal products हमें properly produced हो ही। देखो उसके अलावा ये क्या करती है? extra income देती है। देखो क्या करती है? employment to the more person। देखो जिसको कुछ नहीं आता बोले भैया हमने क्या करा, हमने ये कर सकता है। उसके अलावा क्या करती है मेरा बेटा? उसके अलावा ये देखो एनहांसेस इनकम ऑफ, जो इनकम है फार्मर की उसको एनहांस कर देती है, बढ़ा देती है। तो एनहांस इनकम ऑफ फार्मर। देखो उसके अलावा आता है नेक्स्ट टॉपिक, फील्ड्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। कि एनिमल हस्बेंड्री किस किस चीज के अंडर या किस किस चीज को देखती है, तो इसके अंदर क्या क्या आता है? देखो ध्यान से देखो प्लीज,
पहला आता है कैटल फार्मिंग, कैटल फार्मिंग क्यों होता है, फॉर मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा आता है पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग क्यों होती है बेटा, एग और मीट के लिए, फॉर एग एंड मीट। फिश फार्मिंग क्यों होती है, नेक्स्ट आता है फिश फार्मिंग, सो द फिश फार्मिंग इज देयर फॉर फिशेज एज फूड। देखो फिश को लेते हैं ना, तो फिशेज को एज फूड यूज करते हैं। द नेक्स्ट वन इज बी कीपिंग, तो बेसिकली बी कीपिंग किसके लिए होती है, हनी के लिए होती है, ठीक है। हनी के अलावा दूसरा मेजर प्रोडक्ट क्या यूज होता है, बी वैक्स। नेक्स्ट क्या आता है बेटू, नेक्स्ट नाम आता है दैट इज द पिग फार्मिंग, तो पिग फार्मिंग भी किसके लिए होती है बेटा, मीट के लिए होती है। अब आगे देखेंगे, ध्यान से समझना प्लीज। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज द कैटल फार्मिंग। देखो बेटा ध्यान से समझेंगे प्लीज, कैटल फार्मिंग क्या होता है। कैटल फार्मिंग मींस, कैटल फार्मिंग इज रेजिंग ऑफ कैटल्स फॉर, देखो मैंने क्या करा, एक कैटल का ध्यान रखा किस किस चीज के लिए। पहला प्रोडक्ट हो सकता है मिल्क के लिए, दूसरा हो सकता है मीट के लिए, तीसरा हो सकता है स्किन के लिए, और चौथा हो सकता है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। मैंने इन चीजों के लिए क्या करा, कैटल का ध्यान रखा। अब देखो बेटू कैटल फार्मिंग में किस किस की रेयरिंग होती है, सो द कैटल फार्मिंग इंक्लूड्स रियरिंग ऑफ, उसमें भी किस किस की होती है, काउस, बफेलोज, उसके अलावा कैमल्स एंड गॉट। देखो अब ध्यान से समझो, कैटल की बेसिकली तीन कैटेगरीज बनाई गई। जो कैटल्स है ना बेटा, उनको किसमें क्लासिफाई करा गया, कैटल्स को बेसिकली तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। देखो पहली कौन सी कहते हैं, मिल्च एनिमल्स और डेरी एनिमल्स। देखो नाम से समझ में आ रहा है, मिल्च एनिमल, मिल्च मतलब मिल्क देने वाले, और डेयरी एनिमल्स मतलब डेयरी, मतलब हमें पता है डेयरी, हमने खूब सुना हुआ है बेटू, ठीक है। तो दैट इज आल्सो रिलेटेड टू द, नेक्स्ट आता है देखो ये किसके लिए होता है, दीज आर फॉर मिल्क। नेक्स्ट नाम आता है ड्रॉट एनिमल्स, ड्रॉट ब्रीड्स, डी आर ए यू जी एच टी, ड्रॉट ब्रीड। ये किसके लिए करी जाती है बेटा, ये क्यों रखी जाती है, ये रखी जाती है यूजफुली एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। देखो हमने देखा है बहुत सारी जगह है ना, बुल्लॉक्स पे सामान लेकर जाते हैं, तो क्या होते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और पुराने टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि अब भैया हम हरियाणा में रहते हैं, हमारे यहाँ पे सब क्या यूज करते हैं, ट्रैक्टर्स यूज करते हैं, अपना नहीं है तो रेंट पे भी चलता है, ठीक है ना। बट बेटू बहुत सारे स्टेट्स आज भी ऐसे हैं जहाँ पे सबके पास, फार्मर्स के पास ट्रैक्टर्स नहीं है, दे कांट अफोर्ड इट, तो वो क्या यूज करते हैं, ड्रॉट यूज करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज ड्यूअल पर्पस, ड्यूअल पर्पस ब्रीड्स। तो देखो ड्यूअल पर्पस का मतलब समझ में आ रहा है, दोनों चीजों के लिए, सो फॉर मिल्क एंड एग्रीकल्चर, दोनों चीजों के लिए यूज की जाती है। अब आगे समझेंगे प्लीज, नाउ वी विल डिस्कस सम ब्रीड्स ऑफ काउस, काउस की कुछ ब्रीड्स को डिस्कस करेंगे। देखो बेटा काउस की तीन तरह के ब्रीड्स होती हैं, पहली होती है इंडिजीनियस, इंडिजीनियस का मतलब होता है इंडियन ब्रीड। तो देखो
नाम पहला क्या है, द फर्स्ट नेम इज इंडिजीनियस ब्रीड्स. इंडिजीनियस ब्रीड्स मतलब इंडियन ब्रीड्स. इसमें तीन नाम देखेंगे. पहला नाम है साहिवाल, गिर और रेड सिंधी. नेक्स्ट देखेंगे एग्जॉटिक ब्रीड. एग्जॉटिक मतलब फॉरेन की ब्रीड्स. इसमें आसान नाम लिखा रही हूँ बिट्टू. आसान नाम में क्या है, पहला नाम है जर्सी, GERSEY, वो याद रहता है ये नाम सबको ना, और दूसरा है ब्राउन स्विस. नेक्स्ट है क्रॉस ब्रीड्स. इसमें क्या डिस्कस करेंगे, करन स्विस एंड करन फ्राइज. देखो अब एक लास्ट टॉपिक इस वीडियो का है ब्रीड्स ऑफ बफेलो. सिर्फ नाम पढ़ेंगे बफेलोज की ब्रीड्स के. देखो बफेलोज की ब्रीड्स कौन कौन सी हैं, तीन नाम है. पहला नाम है मुर्राह, दूसरा मेहसाना और तीसरा सुरती. मेरे ख्याल से इट इज ऑल इनफ. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.